हाय, कल शाम को मेरे नेबर्स मेरे से मिलने आए थे। दो ट्विन ब्रदर्स हैं, मोनू और अजीत। उनके स्कूल में उन्हें एक प्रोजेक्ट दिया और उनको कहा कि एक छोटा सा वाइब रोबोट्स बना के लाओ। तो वो मेरे पास आए, कहने लगे भैया मेरे को एक रोबो बनाना सिखाओ। तो मैं सोचने लगा कि क्या कर सकते हैं, हाइड्रोलिक के आर्म्स या व्हील्स, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड प्लस एक दिन के अंदर बनाना है। तो पूरी रात में सोचता रहा कि क्या कर सकते हैं, सबसे सिंपल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जब मैं सुबह उठा तो मेरे को एक आर्टिकल याद आया जो मैंने कई साल पहले पढ़ा था। जब 9/11 का डिज़ास्टर हुआ था तो नीचे बहुत रबल्स थे, कुछ लोहे के सरिये थे, कुछ पत्थर थे, सब तहस नहस हो गया था। तो ऐसी स्पेस के अंदर व्हील्स वाली व्हीकल्स नहीं जा सकती थी। तो US मिलिट्री को जो रेस्क्यू टीम भेजनी थी उसके लिए उनको एक नई व्हीकल डिज़ाइन करनी पड़ी। तो वहाँ के इंजीनियर्स को एक अमेजिंग सॉल्यूशन आया। जैसे इस ब्रश में ब्रिसल्स हैं, सेम तरीके से उन्होंने सोचा कि अगर व्हीकल में इस टाइप के ब्रिसल्स हों तो कैसे भी ग्रूव्स हों या एक्सट्रूजन्स हों उसके थ्रू वो जा सकता है। उन्होंने क्या किया, एक वाइब्रेटिंग मोटर ली और उसे व्हीकल पे लगा दिया, तो व्हीकल उसके साथ वाइब्रेट होने लगी। एंड सिंस यू सी, इसको मैं वाइब्रेशन दूं तो ये हिलने लगता है। इजंट दैट अ ब्रिलियंट सॉल्यूशन? इतना सिंपल, इतना कॉम्पैक्ट, एंड ये ऐसा सॉल्यूशन है जो एक छोटे से ब्रश पे या बड़ी सी व्हीकल पे किसी भी स्केल पे अप्लाई हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट ट्राइंग दिस, ओके? तो मुझे ये ब्रशेस को ऐसे प्लेस कर सकते हैं या लंबा सा कुछ बना देते हैं ऐसे, एंड उसकी बॉडी के लिए नहीं, इसी को हाफ कट करके एक पॉइंट आगे एक पॉइंट पीछे लगा देंगे। ये बाद में करते हैं, पहले इनको साथ में कैसे लगाऊं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं बना क्या रहा हूँ, सरप्राइज है। इसे चिपका तो सकते हैं लेकिन अगर इसे चिपका देंगे तो फिर ये हिलेगा नहीं ऐसे। तो मैं, हाँ, मेरे पास वायर है थोड़ा सा, स्कूबी को मेरा इतना काफी है, एक्स्ट्रा कट कर देते हैं। ओके, वाइब्रेशन के लिए मैं एक डीसी मोटर यूज करूंगा। डीसी मोटर इज नथिंग बट डायरेक्ट करंट मोटर जो कि नॉर्मली आपको टॉय कार्स में, रिमोट कंट्रोल कार्स में मिल जाएंगे। तो मेरे पास वो मोटर कहीं तो रखी होगी। जैसा कि आपको पता है, मेरे को टॉय कार्स और छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स खोलने में बहुत मज़ा आता है। ये कुछ खोला हुआ है, ये रही, ये है एक डायरेक्ट करंट मोटर। सबसे सिंपल मोटर होती है, दो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एक वोल्टेज अप्लाई होता है, यानी कि एक बैटरी लगा सकते हैं। यूजुअली ये मोटर्स 1.5 वोल्ट से लेके अराउंड 9 टू 12 वोल्ट्स के बीच में चलती हैं, अलग अलग साइजेस की आती हैं। ये वाली आई थिंक 6 टू 9 वोल्ट्स में चल जानी चाहिए। तो ये यूज़ करते हैं। मैंने फ्रेश बैटरीज भी रखी हुई हैं। बैटरी हो गई, बैटरी के ऊपर का होल्डर हो गया, दैट्स इट। ये वाली 9 वोल्ट्स की बैटरी है, मैं इसे यूज़ करूँगा।
एंड अब पहले वायर खोल लेते हैं, थोड़ा सा ग्रूव बना दिया। काटते टाइम एक ध्यान रखना चाहिए कि प्रेशर इतना नहीं अप्लाई कर दें कि अंदर का मेटल वायर भी काटा जाए, सिर्फ बाहर का रबर वाला पार्ट निकाल देना है। मेटल वाले पार्ट को ट्विस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। अब मोटर को एक साइड लगा देंगे एंड उसका वेट इम्बैलेंस ना हो जाए तो बैटरी को दूसरी साइड लगा देंगे। अब ये वायर्स को साथ में लगा देते हैं, इससे तो मोटर पूरे टाइम चलती रहेगी। बीच में एक स्विच लगाते हैं, स्विच भी मैं लाया था, इसी बॉक्स में कहीं पे होने चाहिए। अच्छा ये रहा, छोटू सा स्विच है, इट इज अ टॉगल स्विच जो ऐसे ऑन होता है एंड फिर ऑफ हो जाता है। ये लगा देता हूँ। इस टाइप के अलग अलग स्विचेस ना अगर आप टॉय कार्स खोलोगे या कुछ इलेक्ट्रॉनिक टॉयज खोलोगे तो उसमें से मिल जाएंगे। लेट्स सी, ये वाले वायर्स तो मैं लगा देता हूँ, ट्विस्ट कर दिया। ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो इसके लिए मैं इन वायर्स को साथ में सोल्डर कर दूंगा, दैट्स इट। एंड इस साइड में अपना स्विच लगाऊंगा। अब सोल्डरिंग क्या चीज होती है, इस डिवाइस को एक सोल्डरिंग रॉड कहते हैं। इसमें आगे एक मेटालिक पार्ट होता है, पीछे एक वायर होता है, तो वायर से इलेक्ट्रिसिटी आती है और उससे ये रॉड बहुत गर्म हो जाती है। इसे सोल्डरिंग क्यों कहते हैं, सोल्डर नाम का एक एलॉय होता है जो कि ये वायर है, एंड ये एलॉय की स्पेशलिटी है कि ये बहुत जल्दी पिघल जाता है बहुत लो टेम्परेचर पे, इट हैज़ अ वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। तो जैसे ये गर्म हो जाता है इसकी गर्मी से ये पिघल जाता है, एंड पिघलने के बाद जो पिघला हुआ मेटल है वो हम वायर पे लगा देते हैं, तो वो मेटल यहाँ पे लग के फटाक से सूख भी जाता है, एंड जैसे ही वो सूख जाता है वो दोनों वायर्स को साथ में फ्यूज कर देता है। लेट्स स्टार्ट सोल्डरिंग। तो इसे लगा देते हैं यहाँ पे, अभी इसे गर्म होने में 2 मिनट लगेंगे, तब तक यू गाइस टेक अ क्विक ब्रेक एंड बी राइट बैक।